मतदाताओं का सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी ने हम सब ने मिलकर के किया है। जनता का ही आशीर्वाद है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि आज देश के अंदर खजुराहो लोकसभा में विजय का इतिहास बनाए। मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत की बनी है और 60 साल के बाद आज़ादी के इतिहास में लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बना है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। इसलिए आज हमने सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान और मतदाता भाई और बहनों का भी अभिनंदन किया है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है नीट की परीक्षा के लिए विपक्ष गिर रहा है और देखिए भी नहीं चलने दे रहे हैं। देखिए, नीट विपक्ष की अपनी भूमिका है। नीट हो या कोई भी इस प्रकार की चीज़ें हो, सरकार ने गंभीरता के साथ काम किया है और ऐसे लोग कोई नहीं बचेंगे जो इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। ये विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता ना, इसलिए ओवैसी जैसे लोग जो सदन के अंदर शपथ ग्रहण करते समय फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों की सदस्यता भी समाप्त होनी चाहिए।